गाइस फाइनली राहुल और मैं पहुंच गए हैं गुड़गांव और बहुत जल्दी हम आपके लिए सरप्राइज रिवील करने वाले हैं। आपका देख के दिल खुश हो जाएगा। नाउ वन तुम्हारा नाम बदल देना। बहुत लोगों ने कहा थार है, बहुत लोगों ने कहा ये है वो है, तुम क्या क्या है। बब्जी भाई, बब्जी लेडी ऑली, जोई और चंपा चमेली, पूरा टप्पर बिठा लेंगे, चार्ली लूना सबको बिठा के ना इसमें। गड्डी मेरी बैजा और आप हमें ना कमेंट्स में ये बताना इस गाड़ी का नाम क्या रखते हैं। नमितोलॉजी जो पीछे रहेंगे और हम पूरा इंडिया घूमेंगे। करें शुरू करें और कहां आए और हमें कौन रिसीव करेगा, कैसे कैसे करें बताइए। तो हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग विद गली की एक्टिविटी। दिख रही है आपको इधर से, और मेरे हाथ में आज का अखबार है। हेलो चलो। ये तो भाग ही रहे। तेरे को एक चीज करके दिखाता हूँ। तो ना मैंने अपने हाथ में ना एक न्यूज़पेपर का ना गोला बना लिया, अभी दिखाता हूँ आपको। नमस्कार जी, ये देखो ये तो अपना खेल रहा है ना। अबे ना बब्जी ना कैसे रिएक्ट करेगा। बचपन में ना मैं उसके हाथ में बहुत ज्यादा खेलता था ये चीज। ठीक है अभी सारे कौवे आ गए ना, तो यहाँ बंदर आने वाले हैं। और ये देखो ये अलर्ट हो गया पहले। बस बस चला जाओ, चलो 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 घर चले आ जाओ। और जहाँ सारे फाइनली बच्चे ठंड के अंदर सुकड़ के बैठ गए हैं मम्मी की गोद के अंदर। दो पीछे हैं, दो आगे हैं। लूना और दामिनी आगे हैं, पीछे है रोशनी और चार्ली। ये देखो एक दिख रही है ना आपको रोशनी, ये देखो ये रही। ये अपना एंजॉय करके ना कोने पे बैठे, पता नहीं कोने के लिए चद्दर छोड़ी हुई है इन्होंने खाली, और फाइनली पेंट हो गया ये देखो। तो अब इसके ऊपर जंग तो नहीं लगेगा फिलहाल, और बच्चे अब अपना परमानेंट घर के अंदर रह सकते हैं, सिक्योर हो गए हैं। चलती सड़क है और बच्चे आते हैं, देखते हैं, इनके साथ खेलते हैं और ये भी एंजॉय करते हैं। सोशलाइजेशन फुल ऑन भाई, फुल ऑन। शिवाय देखो कहाँ घुस गया। शिवाय ये कौन है, छोटे छोटे पपीज है ये। देखो राहुल बाहर आने की कोशिश करो। शिवाय ना अभी तो खोले, वो बाहर खड़ी थी बिल्कुल यहाँ पे, उसको सुसु पॉटी करना था। चार्ली राहुल बैठने लग गए देखो टेक लगा के ना, और शिवाय ना फैसिनेट होके ना खुद अंदर गया देखने की क्या है। राहुल देखो इसको शिबू को, चालक तो प्रॉपर चलने लग गया देखो गाइस। कौन ये नीचे छुटकी, रोशनी है दामिनी है, ये दामिनी है दामिनी। ये देखना भाई बहन क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, और वहां वो दोनों क्या कर रहे हैं चलो देखते हैं। लूना रोशनी चलो चलते, तो राहुल मुझे डांट रहे कि चलो मैं बच्चों के साथ खेलने लगी, थोड़ा बंद कर दो बाद में चलते, तूने जो करना करिया चलो। तो गाइस फाइनली राहुल और मैं पहुंच गए हैं गुड़गांव, और बहुत जल्दी हम आपके लिए सरप्राइज रिवील करने वाले हैं कि हम लोग कहाँ आए, क्यों आए हैं। और जो कल के व्लॉग में आपके लिए एलिमेंट था कि सरप्राइज देने वाले, वो आए मतलब रिवील होने वाला है। हाँ हम लोग एक नई गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन वो नई नहीं है, सेकेंड है, नई हमारे औकात और बजट से बाहर थी। ये बात तो निकल क्यों, दिस इज वेरी बैड। ठीक है हम वो ले रहे हैं जिससे हमारा पेट भी नहीं, तो हम इसमें नई ले रहे हैं Because it's very costly. और हम है कि हम फन करना चाहते हैं, तो इतना जितना हम अफोर्ड, जितना हमारी एक गाड़ी बेच के दूसरी आ गई,
उतना ही किया हमने, अपनी जेब से कुछ फालतू पैसे ज्यादा नहीं डाले। और हाँ, हम नई गाड़ी लेने आए हैं, नई एज इन सेकेंड हैंड नई, और आपका देख के दिल खुश हो जाएगा। नाम हुआ ना तुम्हारा, नाम बदल देना। बहुत लोगों ने कहा थार है, बहुत लोगों ने कहा ये है वो है, तुम क्या क्या है, बट अभी आपको पता चलेगा कौन सी है। थार नहीं है, थार नहीं है। ओहो शानदार जानदार गाइस, तो ये है हमारी नई गाड़ी। और तो गाइस ये है हमारी नई गाड़ी, और राहुल मोटा बड़ा एक्साइटेड है। अच्छी साफ है यार, साफ करके दिया ही ना, देख लो। ये हमारी ड्रीम कार है, नई तो नहीं ले पाए लेकिन नई से कम भी नहीं लग रही। राहुल मजेदार, खुश हो? Yes. तुम खुश हो? मैं खुश क्यों हूँ? क्योंकि ना ये देखो, ये है इस गाड़ी की मेन अट्रैक्शन। अब सुनो राहुल से क्या कह रहा है। तो इधर बैठा होगा बब्सी, उधर होगी लेडी वाली, और इधर होगी जोई, और हम करने वाले हैं वर्ल्ड टूर। यस, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन फैमिली सेक्शन, ये हो गया हमारा एक्सटेंडेड फैमिली सेक्शन। कार से बेटर नहीं है? बहुत बेटर है ना, बहुत अच्छी डील मिली हमें। और अलॉयज चेक करो एक बार गाइस, ये सब लगा लगाया है हमारे को, नहीं कुछ करना पड़ा। और टायर भी ना ओनर ने अभी चेंज कराए थे, तो डील अच्छी मिल गई तो ले ली। बहुत अच्छी, और ज्यादा हमें खर्चा भी नहीं करना पड़ा, हमने क्रेटा बेची। तो नई वाली कॉस्टिंग पड़ रही है, दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 33 लाख ऑन रोड, और ये हमें बहुत अच्छी मिल गई है डील। और मैंने कहा कि पहले हम चेक तो कर ले कि बब्जी इसमें बैठेगा भी नहीं, क्योंकि बैठेगा बब्जी, बब्जी भाई, बब्जी लेडी वाली जोई और चंपा चमेली पूरा टप्पर बिठा लेंगे, चार्ली लूना सबको बिठा के ना इसमें। गड्डी मेरी बह जा, गाड़ी देख लो आप, पूरे पहाड़ चढ़ा देंगे, नदियों पे चढ़ा देंगे। मन नहीं देखो ज्यादा, आपको एक्साइटेड नहीं लग रही है? मैं ना पूरी ना दिल्ली के गेड़े मारूंगी, तुम्हें बिठाऊंगी आगे ड्राइवर सीट पे, और खुद मैं बब्जी वाली वाली के साथ फट्टा डाल लूंगी, चौकी सी नहीं होती पीछे बैठूंगी, और सबको ऐसे ए देखो देखो हमारे रॉटवाइलर फैमिली है, देखो देखो करके। पागल है, पागल पागल है मन्नी। तो ये देखो, ये इसकी साइड व्यू है। हाँ आज ज्यादा सुंदर नहीं लग रही? तो सुंदर है ही, क्यों चेंज करा तुम? कैसे? ओ मन्नी ना सब कुछ चेक कर रही है। अरे मन्नी मत कर, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ मत कर मन्नी, क्यों जबरदस्ती कर रही है? तेरे को बड़ी पड़ी है। और ये देखो इसके ऊपर ना हैमर का वो लगा हुआ है, 4x4 का पीछे खड़ा होने वाला। ये बस सीख लियो तू, ठीक है ना, घुमाओ उसे। यस कर 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 उस दिन नहीं जा रहा था, जाएगा जाएगा, ये पूरा खुलवा के लेके जाएंगे। ठीक है गाइस, देखो अंदर कितनी जगह। राहुल दी दद्दी लेके चले घर है वोटे, चलो मुड़े बैठने में आसानी हुई है? बड़ा तू 6 फुट का है मोटा। चलो आ जाओ, मैं वहीं मिलूंगी बाहर। चलो तो गाइस हम चल रहे हैं घर, घर से पहले देखते हैं राहुल की मम्मी पापा को लेके, फिर मंदिर, और बस आपकी कृपा है अब आपकी पूरे परिवार नेमेटोलॉजी का, आपके सारे डॉग्स अब एक साथ करेंगे भारत भ्रमण। स्पेशली हमने ये डिक्की वाली ऐसी खुली गाड़ी इसलिए लिया है ताकि हमारे बच्चे जो है ना घर पे बैठे रहते हैं, हम उनको थोड़ा घुमा फिरा के लाएं, और सेकेंड हैंड ही सही, चलो कम से कम कुछ तो खरीदा। तो कमेंट सेक्शन में भर दो अपनी मुबारक और अपनी बेस्ट विशेस। चलते हैं आप सीधा घर, लेते हैं घर वालों को, और उसके बाद मंदिर। टीका लगा गई मेरी मम्मी मेरे। हाँ कहाँ सोनू बढ़िया, वो देखो तुम भेज जाओ। अच्छा अच्छा मेरे भी लग रहे क्या? चलो आ जाओ मम्मी, जल्दी आ रहे चक्कर काटने। गाड़ी की पूजा पंडित जी कर रहे हैं, पंडित जी बार बार सारे पूछ रहे किसके नाम पे गाड़ी बनी। पंडित जी को बोल दिया छोटा सा बनाना। अच्छा बना, पंडित जी बहुत अच्छा बना रहे हैं, चुन्नी बांध देना ऊपर जो भी बांधनी है। यहाँ बच्चे बैठे हैं दादू के साथ अंदर,
चलो बोल साचे दरबार की जय। बना रहे हो कि सिंपल वीडियो, मेरे का व्लॉग है। हाँ। तो कह रहे कि मुझे एक चैनल भी दिखा दो। अच्छा ठीक। तो पंडित जी ने चुन्नी बांध दी है। जय माता दी, जय माँ झंडे वाली, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए, डिक्की खोली है, देखते हमारा दो हाथ दो ही आ जा। इसके लिए हमारे ओला बाबा देखो ऊपर से देख रहे क्या हो रहा है, देख लो बैठ गई हमारी लक्ष्मी। थोड़ा अंदर हो जाता ना, आराम से बैठ जाए, इसे चॉकलेट आके आता है। मेरा भी आज वही मन था, लेकिन चलो कल काट लेंगे, है ना। कोई नहीं, पर यार सही जच गए ना बच्चे, देखना अभी तो वो भी आएंगे हमारे दो भी, पर अब परफेक्ट है इनके लिए सबके लिए। हाँ अच्छा जी, तू क्या कर रहा है, जोई के पीछे पीछे जा रहा है। हाँ कोई नहीं, खेलने दो थोड़ी देर। कहा है दो ही, कहा है फिर से जे, तू क्यों ऐसी अजीब सी पॉटी कर रहा है। ओए दो ही क्या कर रही है, देख देखो दो ही को ना पता चल गया कि आज जे घर पे है और जे के साथ हमने खेलना है। दो ही तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, जे जो देखते काटी खाएगी तेरी, काटी खाएगी, काटी खाएगी, काटी खाएगी। हंसता है, गंजा हंसता है। दो ही कहा नहीं, दो ही काटी नहीं खानी बाबू। पहले ना जब जे दो ही आई थी ना गाइस, तो दो ही थी, छोटी सी थी है, और अब देखो दो ही को कितनी बड़ी हो गई है और हमारा जे छोटा हो गया है ना। जे उतने का उतना ही है, जो ही बड़ी हो गई है, देखना क्या कर रहे हैं दोनों। टाटी खा रही हो तेरी, ओए 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 सोई। तो गाइस अब बताओ कमेंट सेक्शन में कि जे ज्यादा शैतान है कि दो ही ज्यादा शैतान है हमारी जोई। देखो जोई के ना यहाँ पे पता नहीं कहाँ से बब्जी ने काटा कि ओली ने काटा, देखो इसकी आंख के ऊपर बबी बबी नहीं है, बब्जी तो ऊपर है, ये बब्जी नहीं जोई है बेटा, बाबू ये तो ही। आ जाओ कम। तो फाइनली बच्चे आए, अब इनको मिलाते हैं इनकी नई कार से जो इनके लिए आई है। लेडी वाली कम, बब्बे गुड। तो ये खड़ी है इनकी कार। ओए देख तो लो अपनी कार, हेलो, ओए तुम्हारी कार आई है, हैं कार नहीं देखनी। तो बच्चे भाग गए हैं। और दिशु कैसी लगी तुझे कार, मस्त मजा आया। और शाम को नमितोलॉजी की गड्डी कैसी लगी कमेंट्स में बताना। 4x4 वी क्रॉस डी मैक्स आईसुजू, और बड़े दिल के करीब है, हमने कुछ सोच समझ के लिया। और ये उनकी जगह है नमितोलॉजी के पैक की इस तरफ। तो बताओ कौन से शहर आए, कौन कौन मिलेगा और कहाँ कहाँ आए। और इन द मीन टाइम चमेली खाना खा चुकी है, जो हमारे एक लोकल एनजीओ है, वो अभी चिकन और चावल डाल के जा चुके हैं, तो इसका तो पेट अभी भरा हुआ है, ठीक है। और बच्चे देखो कितने, ओए मत छेड़ उसे, ये अच्छा इसका बिस्किट डाल दिया ना इसने, तो ये देखो ये चारों बच्चे मस्ती से चलने शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ जी हेलो, हे दामिनी, ए दामिनी तो ये है, रोशनी चार्ली, होए ओए सुंदर बच्चों। हाँ जी मम्मा नहीं अभी प्यार कर रही है ना, मम्मी के पास ना बिस्किट है अभी। ये देखो लूना बैठी हुई है अपने, तू क्या करने आई है यहाँ पे, छोड़ दे उसको, जा बच्चों को प्यार कर, चल दूध पिला। यहाँ पे ना किसी ने बिस्किट डाल दिया था, और मैं मना करता हूँ बाहर से कोई फूड मत डालो। तो बच्चे फाइनली पूरी तरीके से चलना शुरू कर दिए हैं, खेल रहे हैं आपस में। तो आज रात को हमें इसको बंद करना पड़ेगा अरुण जी, ठीक है। तो अभी तो बच्चे यहाँ पे हैं, तो हम थोड़ा सा दरवाज़ा हल्का सा ऐसे कर देते ताकि माँ को निकलना हो तो निकल जाए, पर बच्चे ना निकले। और जोई अभी थक के आई है, भैया जोई को पानी डालो, ये जोई बैठी हुई है अरुण भैया के पास नीचे, पानी डालो इसे पानी। और यहाँ दिशु जा रहा है, दिशु बाय, थैंक यू दिशु, कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। और दिशु ये तो बता दे तुझे कैसी लगी, है प्यारी लगी है, कल कल गेड़ी मारेंगे इसके अंदर, ठीक है पक्का,
चाल है बब्जी लेडी ऑली और जोई को, तीनों को बिठा के, और फिर अगले राउंड में चमेली और उसके बच्चे चंपा को, नहीं चमेली को। और भाई सनी, सनी शर्माता रहता, कभी भी कैमरे के सामने नहीं आता क्योंकि ये बाल बढ़ा रहा है। भाग गया सनी। कौन करता है मम्मी को ज्यादा प्यार बता दो। अच्छा जे करता है मम्मी को ज्यादा प्यार, पर मम्मी तो ज्यादा प्यार टिट्टी को करती है। पर ऐसा क्यों करती है तू? दोनों बच्चे, पहला बच्चा है यार, दोनों के बीच मुझे माँ पहली बार माँ उसके लगा मुझे। दोनों के बीच में डिफरेंस करती है तू? कैसी माँ है तू? मैं गंदी माँ हूँ, सबसे गंदी औरत हूँ इस दुनिया में। वो मेरी पद्दी के मजाक उड़ाता है। जेजू पद्दी कैसे मारती पापा को? मम्मा पद्दी कैसे मारती है? इतनी पस पतली सी मम्मी पद्दी कैसे मारती है? आए है। आज रात को मार के दिखानी पड़ेगी, बड़ी मार। कल कैसे कर रहा था एनुअल, एनुअल फंक्शन पे झूला देखा ना तेरे को? ये देखना, कल हमें करोल बाग जाना पड़ेगा। चलो शटर खुलवाओ, जिसके लिए गाड़ी खरीदी है वो तो बैठे नहीं अभी तक। जोई बैठ गई, जोई बाद में आई है, पहला हक बब्जी का है। सही का। आज जो भी है ना हमारे पास, मतलब घर बार जो भी नाम लोग जैसे हमें, हम गाइस राजू चाट भंडार पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं लोग हमें ना पहचान लेते हैं। किसकी वजह, सबसे पहले किसका नाम लेते हैं ये बताना? राजू चाट भंडार नहीं, बताओ। नमिता, लेडी ऑली, जोई, चमेली, चार्ली, बब्जी। अच्छा बब्जी, ठीक है। बब्जी की वजह से लोग हमें जानते हैं, रियलिटी की बात है। हाँ। सबसे पहला ना कदम उस पे बब्जी का ही पड़ेगा, पहले बता। जोई तो पड़ चुका, मतलब वैसे पूरे में जोई अंदर तक थोड़ी गई है, बब्जी ही बैठेगा सबसे पहले पीछे टिक्के के अंदर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बब्जी से हमें जितना भी नाम, प्यार, सपोर्ट सब बब्जी की बदौलत मिला। उसके बाद लेडी ऑली, फिर जोई, चमेली, चमेली के बच्चे, ये हमारी हयात। अच्छा लोग ना बड़ा सोच रहे थे कि हम बाप लेके आ रहे हैं या फिर भोला लेके आ रहे हैं, थार लेकर आ रहे हैं। हाँ थार नहीं। तो गाइस हमने ना यही सोचा हुआ था कि हम करेंगे टूर, तो मेरी एक हमारे सब्सक्राइबर है सुहास, गुजरात से, आई थिंक अहमदाबाद के हैं। उनका फोन आता रहता है और अब बहुत टाइम से उनका फोन नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा था कि आप ना डॉग्स को लेके आइए अपने ट्रेन के थ्रू, पर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि जो भी लोग पेट इन्फ्लुएंसर्स या फिर पेट ब्लॉगर्स या जो भी लोग पेट का कुछ भी रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं ना, उनके पास ना छोटे छोटे डॉग्स हैं, इतने इतने, तो आप आराम से ट्रेन के अंदर लेके जा सकते हो। और मैंने कहा कि लाइफ एक मिली है, बब्जी 3 साल का होने वाला है, लेडी ऑली 2 साल की होने वाली है, जोई भी साल की होने वाली है, मैंने कहा इनको कब घुमाएंगे हम? हम नहीं घूमे, पर हम इनको क्यों घुमाएंगे? पूरा परिवार, या तो मेरे बच्चे जाते, दूसरी गाड़ियां होती क्रेटा क्रेटा रखती मैं, तो या तो ये पीछे बैठते या वो बैठते, पर अब पूरा परिवार, इवन नौमी दीदी भी फिटा देगी। हाँ तो हमने सोचा कि अब हम घुमा करेंगे और जहाँ जहाँ आप बुलाएंगे मीटअप्स रखेंगे। पहला एक मीटअप तो हम दिल्ली में रखेंगे, अब इंडिया गेट के पास, थोड़ा सा टाइम हम जरा इसको थोड़ा दे दें हमारी। और आप हमें ना कॉमेंट्स के अंदर ये बताना इस गाड़ी का नाम क्या रखे हम, नाम बहुत जरूरी है क्योंकि वही पहचान बनेगी। मेरे पास बहुत सिंपल नाम है, TNT द नमितोलॉजी ट्रक, TNT अच्छा नाम है ना, ऐसे लग रहा है कोई सरियों की कंपनी है या सीमेंट की कंपनी। यार बहुत सिंपल नाम है, TNT द नमितोलॉजी ट्रक, TNT सरिया मजबूत। तो आप क्या कहते हो क्या नाम रखें? लोगों ने काफी नाम रखे हुए अपनी अपनी गाड़ियों के, ठीक है, तो आप बताइए आप क्या रखें, हम क्या रखें? तो पापुल रख दो, पापुल रख दो, मतलब पापुल रख दो। नहीं नहीं पापुल नहीं रखना बेटा, पापुल नहीं रखना, पापुल तो पापा का नाम है, पापुल रख दो, पापुल नहीं रखना, राहुल इसका मतलब है, राहुल रख दो। हाँ पापुल नहीं रखेंगे, पापुल मेरा नाम है, पापुल नहीं रखेंगे, पापुल मेरा नाम है, नहीं रख रहे। तो गाइस मुझे आपसे ना सजेशन चाहिए कि क्या नाम रखें, जो अच्छा नाम होगा जिसपे ज्यादा कमेंट के नीचे लाइक्स आएंगे तो हम वही रख देंगे। वैसे मेरा सजेशन बहुत अच्छा है, द नमितोलॉजी दी गड्डी, नमितोलॉजी एन दी द गड्डी, NDG नहीं यार, TNT सबसे बेस्ट है, द नमितोलॉजी ट्रक, जिसके अंदर
दूसरा कम वो एक घर है दो फैमिलीज का, एक ह्यूमन फैमिली हमारी, एक हमारी पेट फैमिली नमितोलॉजी जो पीछे रहेंगे और हम, और हम पूरा इंडिया घूमेंगे। करें शुरू करें और कहां आए और हमें कौन रिसीव करेगा, कैसे कैसे करें बताइए। तो हम छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं और अब आपसे मिलते हैं पूरा। बताओ आइडिया अच्छा है ना वैसे, और इंडिया में कोई भी नहीं कर रहा है ये चीज, किसी भी यूट्यूबर के पास, आईसुसु बहुत यूट्यूबर्स की बात है, लेकिन किसी भी पेट चैनल के पास आईसुसु टोयोटा हिलुक्स ऐसा कोई पिकअप ट्रक नहीं है। मतलब जितने भी मैंने पेट ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं उन्होंने ज्यादातर थार या स्कॉर्पियो बोलेरो और भी बहुत कुछ, लेकिन किसी ने ऐसा खुला कॉन्सेप्ट नहीं, भाई चल रहे हो डॉग्स पीछे ऐसे आराम से बैठ रहे ऐश काट रहे हैं। और आप सोचोगे डॉग्स को हम ऐसे पीछे कैसे रख सकते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट ना मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ है। तो देयर वुड बी अ कस्टमाइज्ड केज जिसके अंदर तीनों डॉग्स रहेंगे हमारे, जोई लेडी ऑली और बब्जी, और वो आराम से इजिली ब्रीथ कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम आ रहा है, गर्मी का कोई चांस नहीं है, कपड़े पहनाओ अच्छा बेडिंग लगाओ, पीछे अपना एंजॉय करें और हम आगे अपना आपसे मिलने आते हैं। तो बताओ पहली डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए और उससे पहले हमारा डिसीजन कैसा लगा वो बताओ, उसके बाद हमारे ट्रक का क्या नाम होना चाहिए वो बताओ, और हम कहाँ आए वो भी बताओ। तो अब टाइम हो गया 7:15 शाम के, मैं जा रहा हूँ खेलने बास्केटबॉल, मन्नी अब संभालेगी दोनों बच्चों को क्योंकि मेरा टाइम है थोड़ा, मुझे खेलना पड़ेगा नहीं तो मैं सो नहीं पाऊंगा, मैंने कॉफी पी लिया हॉट। ओए गिर गया, बच गया ना तू।